नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं सरकारी लर्निंग पॉइंट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल 2 जुलाई थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो दोस्तों समाप्त हो चुका है और उसके सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्तों। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि सांबर साल्ट वाटर झील कहाँ स्थित है। तो दोस्तों राजस्थान जयपुर के अंदर स्थित है सांबर साल्ट वाटर झील। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि आईसीसी वर्ल्ड कप जीतने पर मिलने वाली राशि। तो आईसीसी वर्ल्ड कप जीतने पर राशि मिलने वाली दोस्तों वह 70 करोड़ रुपये, जो भी टीम जीतेगी उसे 70 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी दोस्तों। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 8 मई, 8 मई को मनाया जाता है दोस्तों रेड क्रॉस डे। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि मुंद्रा पावर प्लांट कहाँ है। तो मुंद्रा पावर प्लांट है दोस्तों वो गुजरात के अंदर स्थित है। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया जर्मनी इटली सिंगापुर इनमें से एक अलग चुनना था दोस्तों आपको, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि नर्स डॉक्टर तो फार्मासिस्ट के आगे क्या आएगा दोस्तों, तो ये एक क्वेश्चन था रीजनिंग से। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि आपकी बेटी योजना किस राज्य से संबंधित है। तो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजना है दोस्तों ये आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि कांग्रेस ने पंजाब के अंदर कितनी लोकसभा सीटें जीती। तो कांग्रेस ने पंजाब के अंदर कितनी लोकसभा सीटें जीती है दोस्तों ये आपको बताना था। तो इसका सही आंसर था दोस्तों 8 सीटें, तो टोटल 13 सीटें हैं दोस्तों, उनमें से 8 सीटें हैं जो कांग्रेस ने जीती हैं। एक क्वेश्चन और एक सीट है दोस्तों वो जीती है आम आदमी पार्टी ने, वह 4 सीटें जीती है बीजेपी ने दोस्तों। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि EEPROM का फुल फॉर्म आपको बताना था। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो EEPROM का पूरा फुल फॉर्म है दोस्तों इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक क्वेश्चन दोस्तों ISSF विनर रेस से रिलेटेड था और एक क्वेश्चन था दोस्तों ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। दोस्तों इसके अलावा यदि आपको कोई भी क्वेश्चन याद हो तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखना। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।